नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल वॉइस न्यूज। आज आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई से हम आपको सामने करवाएंगे और जागरूक करवाएंगे कि एक ऐसा समाज है, एक ऐसे लोग हैं जिनके लिए सरकारें हजारों लाखों योजनाएं बनाती है, लेकिन वो गरीबी कभी दूर नहीं होती, ना गरीबी कभी ख़त्म होती है। ऐसा तबका जहाँ मीडिया दूर तक उन्हें छूती भी नहीं है, कहीं ना कहीं शोर शराबे में वो लोग भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं एक कोने में दबे रह जाते हैं। आज हम ऐसे ही शख्स से, ऐसी ही एक काम करने वालों से आपको मिलाएंगे। कितने लोग कहाँ पर ये क्या काम करते हैं सर, क्या नाम है आपका? कब से कर रहे हैं ये काम? 28 साल से। 28 साल से। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय से। कितना कमा लेते हैं इसका? 6,000-7,000। वैसे आम भाषा में तो इस काम को मोची का काम कहते हैं, वैसे आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? आपका इसके लिए कोई नेता लोग कभी आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए? तो किस समाज के या किस जाति के लोग होते हैं इस काम को करते हैं? जैसे चमार कहते हैं। एक मैं आपकी दुकान में देख रहा हूँ, आपके पोस्टरों के बीच में एक बाबा साहब का आपने फोटो लगा रखा है इसमें, और बाबा साहब ने जितने भी अपने काम किए हैं, चाहे वो उन्होंने भाषण दिए हैं या जो उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो आपने एक मंदिर बना रखा है जिसमें चिराग जला हुआ है, तो क्या इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है ना, ये तो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि जो ये पूजा पाठ है या पाखंड बाद है या अंधविश्वास है इसको छोड़ो और सही रास्ते पे चलो, सही काम करो, इंसान पे विश्वास। लेकिन आपने एक तरफ मंदिर भी बना रखा है, एक तरफ बाबा साहब, ये दोनों धारा एक साथ कैसे चला? ऐसा है, पहले जो हमारा ये है बाबा साहब उठ रही है, ये तो एक नियम है जैसे संसार में जो समाज है, समाज तो समाज का धार से चलना पड़ता है। इसलिए यानी तो मेरा मत ये है, अब इन्हें जो मानते हैं वो मानते आए हैं, आज उठ आए हैं, जो हमारा नियम है। जब आप इस काम को करते हैं और आपके बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, जब उनसे लोग पूछते हैं कि आपके माता पिता क्या करते हैं, तो वो जब वो बताते हैं तो फिर वो छुआछूत भेदभाव होता है? पहले जैसे तो खैर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं तो मानता ही है, क्योंकि हम लोग उसी तरह से देखा जाता है जो पहले देखते थे, अभी कौन सा नहीं देखते, क्योंकि उसी आधार से आरक्षण के नाम पे आज तक देखा ही नहीं आरक्षण क्या होता है। लेकिन आज तक कुछ नहीं आए, बिहार में ये भी है जो हम लोगों के लिए दुकान दिया जाता है, काम बढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र में आज तक कुछ नहीं होता है। आप दिल्ली की जो राजधानी जहाँ PM ऑफिस में जाता हूँ, जितना लगभग यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर दूर ऑफिस होगा, और आप यहाँ पर एक बैठो एक ये नाला टाइप से बना हुआ है, तो ये जो आपने यहाँ ये दुकान बनाई है इसका करते हैं, छोटे जो कटे फटे जो जूते होते हैं या चप्पल होते हैं, इनको आप ठीक करने का काम करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो एक कारीगर हैं आप, ठीक है? लेकिन समाज में कहीं ना कहीं इसे गंदे काम की तरह देखा जाता है। हाँ, देखा ही जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चे तो पढ़ लो नहीं करेंगे तो क्या करें। जब आप बाबा साहब से प्रेरणा लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, उनको कहा जाता है कि दलितों के नेता, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, सबके लिए काम किया। उन्होंने कहा कि ये गंदा काम छोड़ो, कुछ और काम करो, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप यही काम करने की मजबूर हो? ऐसा नहीं है, काम तो और भी काफ़ी है, पैसा तो होना चाहिए ना, अभी एक ठेली लगा दें तो मेरे आगे लाभ 500 रुपये, लेकिन इनका देन है इस काम से नहीं मानता। तो क्या आपके जो पहले बड़े बुजुर्ग वो किस काम करते थे? हाँ, पहले क्या लगता है आपके बच्चे नहीं, मेरा बच्चा नहीं करता, उसको छुड़वा दिया?
ये जो काम है वो कई ऊंची जाति के लोग भी करते हैं इस काम पे? नहीं, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो लोग तो करते हैं, वो लोग तो करते हैं, लेकिन वो बड़े मारते हैं, उनके पास पैसा है, उनको सरकार बोले देश में चुनाव चल रहा है, छोटा सा कमरा होगा, यहाँ लोग भी बैठे रहते हैं, न्यूज़पेपर एक छोटी सी ये बिल्कुल पट्टी है, एक तरफ मंदिर बना हुआ है, एक तरफ बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, जितने भी बाबा साहब ने अच्छे काम किए जो समाज के बहुत बड़ी भावना है, जो लोग कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम दिया गया है कि जो छोटी जाति के वो छोटा काम करेंगे, जो बड़ी जाति के वो बड़ा काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब ने उस चीज़ को तोड़ने के लिए एक लंबी लड़ाई लगी और पहला ऐसा जो ये काम करते हैं, अब आम भाषा में तो मोची कहते हैं लेकिन प्रोफेशन पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, इन्होंने पहली बार मैंने इनके जहाँ जिस ठिए पे बैठे वहाँ पर एक बाबा साहब की फोटो लगी देखी है, तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब की प्रेरणा है वो जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, इन्होंने अभी इनको बताया कि पहले इनके पापा इस काम को करते थे, अब ये करते थे, ये अपने बच्चों को या अपने लड़कों को अब आगे काम करना नहीं चाहते हैं, कोई मांग सरकार से जैसे बच्चे पढ़ लिख गया उसको नौकरी होना चाहिए, तो भैया हम इस काम के हमारे बच्चे मान जाए। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर हम बिहार, बिहार में कहाँ सर? बिहार बेगूसराय, बेगूसराय सर, कन्हैया वाला बेगूसराय ना? हाँ हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं यहाँ पर अभी? तो वहाँ कोई मकान उकान तो सब झोंपड़ी है? अच्छा, झोंपड़ी में रहते हैं, बेसिकली सारा जो काम करते हैं लोग झुग्गी झोंपड़े वाले करते हैं? नहीं नहीं, क्या लगता है सर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं कैसा, मतलब इस काम के लिए जो एक पूरी तरह से एक जाति को बताया गया है, देखा गया, उनके लिए थोपा गया, ये कितना सही गलत है? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मनुवादी लोगों का सोच है, हकीकत में मान लीजिए कि एक ब्राह्मण परिवार से है वो भी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, एक ओबीसी है वो भी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है वो भी माँ के ही पेट से जन्म लेते हैं, इन लोगों ने जो ब्राह्मण वगैरह ब्राह्मण राजपूत वगैरह जो है इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए तो अच्छे कर्म पूजा पाठ का क्षेत्र रखा, जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको किसी को नाई बना दिया, किसी को मोची बना दिया, तो किसी को सेवक बना दिया, ये सब मनुवादी लोगों की सोच है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से बहुजन समाज है, बड़े बड़े लोग समाज से भी उसमें काम कर रहे हैं कि अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहिए और बाबा साहब को पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए जो हमारे नायक महानायक हैं, लेकिन समाज फिर भी अंधविश्वास की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, क्यों नहीं घट रहा सर? उसके पीछे भी कई कारण हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं वो हमेशा ही दबे कुचले रहें, ये लोग आगे ना बढ़े। खासकर बाबा साहब ने जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो डिमांड रखा था, सरकार से मांग की थी, जो सुझाव दिए थे, हकीकत में उनको ये सुविधाएं नहीं मिली है। आरक्षण का जहां तक सवाल है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है, ये आरक्षण का लाभ भी जो बड़े बड़े लोग हैं जो इन जाति बिरादरी से आते हैं
वो लोग फायदा इसका उठा रहे हैं सरकार से। हकीकत में जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, अब मान लीजिए गरीब परिवार के हैं, जूता सिलाई करके चप्पल सिलाई करके अपना गुजारा बसर करते हैं, वहीं पे एक रामविलास पासवान है, वो भी शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं, ये आरक्षण का फायदा नहीं उठा रहे हैं, फायदा वो लोग उठा रहे हैं। सरकार से जो फायदा उठाना चाहिए, सरकार को भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि गरीबी तो तभी मिटेगी ना जब इनको रोजगार मिलेगा। ये कोई शौक से यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं। आज इनको सरकार के तरफ से आर्थिक मदद मिले, कल से ये काम नहीं करेंगे। काम करना कोई गलत नहीं है, काम करके ईमानदारी से परिवार को चलाना ये सबसे अच्छा काम है, लेकिन सरकार को भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। देखिए हम आपको लगातार ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे, जो बड़ी जो गोदी मीडिया है ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाती है, ये बात हम सरकार तक पहुँचाएंगे। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो नीचे बिल्कुल निचले पायदान पे लोग बैठे हुए, उनके लिए सरकार कुछ